सियावती रामचंद्र की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो सर हम लोग जितने प्राणी यहाँ बैठे हुए हैं, हर प्राणी का थोड़ा न थोड़ा, घना न घना, कम न कम, ज्यादा न ज्यादा, कुछ न कुछ वेट है, वेट वजन। तो किसी का वजन होगा 40 किलो, किसी का वजन होगा 50 किलो, किसी का वजन होगा 60 किलो, किसी का वजन 80 किलो। ये वजन किस चीज का है सर? ये पंखा वजन किस चीज का है? शरीर का, हमारे बहुत सुंदर, शरीर का है ये वजन। बहुत सही जवाब दिया, ये वजन आपके शरीर का है। अब किसके शरीर का ज्यादा और किसके शरीर का कम है? जो ज्यादा खाता है उसका ज्यादा वजन है, जो कम खाता है उसका कम वजन। क्यों सर, कुछ ऐसी कुछ मिली जुली सी बात आ रही? क्या हार्मोन होते हैं अपने अंदर, उसके हार्मोन भी होते हैं किसी किसी के। पर फिर भी देखा यह गया है कि अच्छा, अन्न को भी उपनिषद में ब्रह्म का ही रूप कहा गया है, भगवान का स्वरूप कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अन्न की जो ढंग से सेवा करता है, अन्न को जो ढंग से बनाते हैं, अन्न को जो है ढंग से उसको निर्माण करके लोगों को प्रस्तुत करते हैं, या जो अन्न की सेवा करते हैं उन पे अन्न भगवान की, अन्नपूर्णा माता की कृपा होती है, उनका शरीर स्वस्थ सुंदर टिकाऊ मजबूत होता रहता है। तो आपका ये जो 50 किलो 60 किलो वजन है, ये वजन काय का है? शरीर का। और ये शरीर परिणाम काय का है? शरीर परिणाम है सर अन्न का। 20 साल आप जिए हो जीवन, 25 साल जिए हो, 30 साल जिए हो, सारा काम नहाया हो चाहे न नहाया हो, मुंह धोया हो चाहे न धोया हो, ड्यूटी करी हो चाहे न की हो, पर एक काम से छोड़ा नहीं होगा, जिसको कहते हैं कि अन्न का सेवन। वो तो रेगुलर किया ही है, चाहे सुबह हो चाहे शाम, अन्न का सेवन किया है। अब अब कभी ये नहीं सोचा आपने या हमने कि इस प्रकृति ने, इस भगवान ने, इस अननोन ने हमको एक स्ट्रक्चर दिया है, 6 फुट का, 5 फुट का, 5.5 फुट का, उसमें हड्डियां वड्डियां लगा लुगू करके, और इसको परिपोषण करने के लिए अन्न भी दिया है। अच्छा, ये सब सारा सिस्टम क्यों दिया? क्यों तो इसमें अन्न डालना, और फिर इसका यूज क्या है? व्हाट वॉट इज दिस बॉडी एंड व्हाई टू नोरिश इट एंड व्हाई टू पुट अन्न इन दिस, एंड इसका उपयोगिता क्या है, ये क्यों दिया होगा? ये उपयोग ये क्यों दिया गया होगा? अब प्रश्न यह है कि तो आप लोगों को शरीर मिल गया ये पता है, इसमें अन्न डालना है ये पता है, लेकिन ये अन्न डाल करके उस शरीर में, मतलब गाड़ी है तैयार, गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल सब ठूस दिया, बिल्कुल चकाचक नीट एंड क्लीन कर दी, काहे के लिए? व्हाट फॉर? हाँ, चलाने के लिए। बहुत सुंदर। तो ये जो गाड़ी आपकी तैयार की गई है,
ये चलाने के लिए की गई है गाड़ी। और क्यों ये गाड़ी चलाने के लिए की गई? अब क्योंकि इसके द्वारा जो आप चलाओगे इसको यहां से रामझूला तक गए, या तबला बजाया, या गाना गाया, या झाड़ू दिया, या पोछा दिया, बर्तन मांजा, उस क्रिया का नाम हो जाएगा कर्म, उस क्रिया का नाम हो जाएगा कर्म। तो आपने शरीर से हमें अन्न खाया और अन्न संसार में मतलब जो क्रिया करी उसका नाम हो गया कर्म। ये कर्म क्यों करना, कर्म का संबंध आपसे क्या है, कर्म क्यों करना है, कर्म आपको क्यों करना है? क्योंकि क्योंकि आपको ये जो अन्न दिया जा रहा है ये अन्न मक्काई करने के लिए नहीं, नमक हरामी करने के लिए नहीं, काम चोरी करने के लिए नहीं, पाप करने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए दिया जा रहा। कर्म से क्या होगा? वो कर्म से एक यज्ञ बनेगा, यज्ञ, आपका किया हुआ कर्म यज्ञ बनेगा। वो यज्ञ से क्या होगा? वो यज्ञ से जो है कि बरसात होगी, वो यज्ञ से बरसात होगी। वो बरसात से क्या होगा? आपका जो किया हुआ कर्म, वो कर्म क्या बन जाएगा? यज्ञ बन जाएगा। वो कर्म आपका बन गया यज्ञ, और यज्ञ से क्या होगा? यज्ञ से बरसात होगी। और बरसात जब तक नहीं होगी, न फूल न पौधा न जड़ न वृक्ष न आम न इमली न अमरूद वनस्पति कुछ भी नहीं होगी। तो आपको वनस्पति चाहिए, अन्न चाहिए, अन्न तो आप खाओगे, अन्न कहाँ कैसे आएगा, पैदा होगा बरसात से। बरसात कैसे होगी? यज्ञ से। यज्ञ कैसे बनता है? कर्म से। भगवद गीता का वो श्लोक हम याद करते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से भूतों की उत्पत्ति होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि और पर्जन्यादन्न संभव, पर्जन्य माने वर्षा, वर्षा से अन्न संभव है। वर्षा होगी तो अन्न होगा। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव है। और क्या है सर? यज्ञात भवति पर्जन्य, मतलब यज्ञ करोगे तो बरसात होगी। तो यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ करोगे तो बरसात होगी। और वो यज्ञ कैसा, यज्ञ कैसे होगा? हवन से, घी से, कटोरी से, ओम स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम नमो स्वाहा, वो यज्ञ नहीं है। वो तो मात्र एक प्रकार का ये है, आपका संकेत है। आपका वो यज्ञ तो होगा कर्म से। इसका मतलब अब आप लोग ये समझ लो कि आपने जो जन्म लिया है और अन्न खाया है और शरीर प्राप्त किया है तो काहे के लिए, क्या करने के लिए? कर्म करने के लिए। अगर तुमने शरीर लिया है और शरीर में अन्न डाला और कर्म नहीं किया तो आप एक चोर, चोर हो नंबर एक, चोर हो, एक काम चोर हो, एक हराम खोर हो, एक नमक हराम हो, एक मतलब पापी हो, एक आप यज्ञ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस यज्ञ से आपके बाल बच्चे अन्न खाएंगे तो आपने संसार के लिए कोई भी योगदान नहीं किया। तो आपको कर्म करना पड़ेगा, या तो काम करो, खाओ अन्न। अगर संसार का खा रहे हो तो संसार के लिए आपको वर्षा लाके देनी पड़ेगी। वर्षा कैसे आएगी? यज्ञ करने से। यज्ञ कैसे होगा? कर्म करने से। अब तो इसका मतलब भैया ये रहा कि हम सब दो पांव वाले प्राणियों के लिए, तथा कथित मनुष्य मात्र प्राणी के लिए, अगर कोई भक्ति करो चाहे मत करो, राम राम करो चाहे मत करो, श्याम श्याम करो चाहे अगरबत्ती लगाओ चाहे मत लगाओ, अन्न तो खा रहे हैं दो टाइम एक टाइम, हर हालत में मर कर भी क्या करो? काम करो, काम करो।
झीक के भी मर के भी न चाहते हुए भी कर्म करो, अगर नहीं किया तो आप एक मतलब कामचोर हैं और अपने हरामी हैं, नमक हराम है, हराम है अब भाई साहब, तो आपको फिर क्या है? अच्छा अब क्यों कर्म करना है? कर्म जो लड़का जो व्यक्ति आप लोगों में से, आप लोगों में अगर मैं कहूं कि बुद्धिमान कौन है, मूर्ख कौन है और बुद्धिमान कौन है, ये काय से मालूम पड़ेगा? किसने ज्यादा कर्म किया है और किसने कम कर्म किया है, किसने विभिन्न प्रकार का बहुत आयत्म कर्म किया है वो उतना बुद्धिमान है, और जिसने बहुत कम कर्म किए हैं वो उतना मंदबुद्धि है, मूर्ख है और जड़ है, और जिसने काम जो है कि अवॉइड किए हैं या काम चोरी करी है वो तो अपना मन बुद्धि शरीर इसका विकास नहीं कर सकता। तो आपके पहले काम आया, आपको जीवन जीने के लिए मन और बुद्धि तीव्र चाहिए, तो इसको तेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग जो लड़के लोग तरह तरह का काम कर ले करना जानते हैं, मतलब बिजली का काम भी, मीटर का काम भी, झाड़ू भी, रोटी बनाना भी, पानी भरना भी, बर्तन मांजना भी, सब सारे काम में परफेक्ट है वो। अब दूसरी बात यह है कर्म की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप कहीं भी किसी से मिले, हाथ मिलाए, और भाई अखिल भाई, और भाई नारायण भाई क्या हाल चाल, नहीं ठीक ठाक हूं। सेकंड प्रश्न आपसे करेगा, हाँ यार सेकंड प्रश्न आपसे करेगा और क्या कर क्या रहा, सेकंड प्रश्न ये कि और क्या चल रहा है, क्या कर रहा, कर क्या रहा उसको, जैसे आज आपने उसको डांटा कि ये प्रश्न मत कर, तो हम क्या ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि अबे ये प्रश्न छोड़, क्या कर रहा है, ये प्रश्न क्या जरूरी? पर नहीं, वो तो जहां मुंह दिखाओगे, मामी को, मौसी को, गांव के आदमी को, चाहे पढ़े लिखे आदमी को, व्हाट डू यू डू, व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हो, ये प्रश्न करता है। मतलब वो पूछना चाहता है कि कर्म क्या है, कर्म का हिसाब दो। अरे अरे हमने एजुकेशन किया है, हमने पढ़ाई करी यार, हमने ये किया वो किया है, हाँ हाँ तो तुम रखो अपने सर्टिफिकेट अपने पास, वो सब हम सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, तुमने नकल करके पास किया कि सही में पास किया, कर क्या रहे हो? कर्म वो कर्म का पूछता है, तो फिर वो आपसे भी पूछेगा, अपना भी बताएगा या ना बताए, पर वो। अब इसमें बात ये है कि महाराज जी कर्म के मामले में आजकल बहुत सारी विडंबनाएं हैं। अब क्या होता है कि जो कर्म कर रहा है, जिसको छोटी मोटी कोई नौकरी वोकरी लग गई, वो तो बड़ा मटक मटक के बताएगा कि मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मैं वहां पीऊन हूँ, मैं वहां चपरासी हूँ, मैं वहां 8,000 की नौकरी लग गया हूँ। पर कई बेचारे पढ़े लिखे होकर के अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उनकी नौकरी नहीं लग पाती, तो उनके लिए बड़ा मुसीबत हो जाता है। मैंने तो यहां तक देखा साइकोलॉजिकली कि कोई घर में आता है वो तो वो नए आदमी को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो पहला सेकंड क्वेश्चन ही करेगा कि और भाई कर क्या रहा, बे पास कर लिया और कर क्या रहा, और उसको मुंह छुपाना पड़ता है कि मैं क्या होता हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब तो मिला नहीं। पर ये कर्म का क्वेश्चन तो भाई साहब जिंदा है अभी तक। अब तो अब हम ये कहना चाहेंगे कि कोई कहे कि भगवान को मनाने के लिए गंगा नहा लें, गीता पढ़ लें, राम राम कर लें, तीर्थ यात्रा कर लें, ये कर लें वो कर लें, और काम धाम आता नहीं है, कौड़ी का काम आता नहीं, झाड़ू देना आता नहीं, रोटी बनाना आता नहीं, सब्जी बनाना आता नहीं, बर्तन कपड़े धोना आता नहीं लोगों को, ऐसे अलोल, और तुम वेदांत लेकर के ध्यान करने बैठ जाओ, प्राणायाम करने बैठ जाओ, भगवान भगवान लात के अलावा कुछ नहीं, लात मारेगा भगवान, क्योंकि पहला पाप कर रहा है बेटा तू। ये राम राम काय से कर रहा है? शरीर से कर रहा है। शरीर में राम राम तब कर रहा है जब तूने 1 किलो अन्न डाला है शरीर में। 1 किलो अन्न डाला तो पहले काम करके बता। संसार जो है ये कर्म भूमि है, तो आपको यहाँ पहला परिचय काम से देना पड़ेगा।
आप करता है, आपने जन्म लिया है, आपको कर्म करके दिखाना है, कर्म हर हालत में, तो इस कर्म, ये कर्म ही आपका यज्ञ बनने वाला है। अब मैं दूसरा बात ये कहना चाहूंगा कि दूसरी बात ये करना चाहूंगा कि ये कर्मचारी, ये बातें तो हुई आप लोगों के लिए, अब दो वर्ग और बचा। ये बातें तो आप लोग फुटकर आश्रम में रहने वाले, कुटियाओं में रहने वाले या इधर उधर रहने वाले, तो उन सब के लिए कर्म करना, कर्म सीखना, कर्म ढूंढना, कर्म की पेचीदगी में जाना, कर्म को समझना, ये बहुत जरूरी है, ये हर प्राणी के लिए, चाहे आप आश्रमवासी हो, चाहे कुटियावासी हो, चाहे गंगा तटवासी हो। अगर आप बिल्कुल ही कर्म करना नहीं जानते तो आप एक कौड़ी के फक्कड़ हो। फक्कड़, फक्कड़ कोई कर्म नहीं कर सकता, उसको आते ही नहीं कर्म करना। हाँ, तो फक्कड़ है वो, फक्कड़ों के लिए कोई महत्व नहीं संसार में, समाज में। उन्हें उनको कोई पूछेगा भी नहीं कि ज्ञान क्या है, भगवान क्या है, राम क्या है, उनसे बात ही नहीं कोई करेगा, क्योंकि काम करना नहीं आता तुमको, हो गए। अब बचे दो वर्ग। दो वर्ग में एक वर्ग है कर्मचारियों का और एक वर्ग है व्यवसायियों का। ये दो ही वर्ग हैं देश में बचे। अब भैया ये दो जो वर्ग हैं, तो आप ऐसा करो कि कर्मचारी लोग और अपने व्यवसायी लोग, कर्मचारियों की टेबल पे जाओ, उनकी बातें सुनो। अरे यार बहुत लोड है काम का यार, अरे यार ये वहां से वहां ट्रांसफर कर दिया, अरे यार ये परेशानी, अरे यार वो परेशानी, ऐसी बातें करते हैं। और परंतु बात ये है भैया अखिल जी और मिश्रा जी कि यह जो कर्म तुम्हें मिला है, ये बात कर्मचारी लोगों के लिए है कि जो कर्म आपको मिला है, ये इसके लिए आपको 10 बार लंबे हो करके नमस्कार करना चाहिए भगवान को और प्रकृति को कि आपको करने के लिए कर्म दे दिया। इस कर्म से आपको क्या लाभ हो रहा है पता है? आज आप कितने बजे नहाए? 3 बजे। तू आज कितने बजे नहाया? 10 बजे। आप कितने बजे नहाए? 11 बजे। ये नहाते हैं टाइम पर, वो कोई कोई लोग नहाते हैं टाइम पर, पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों को कोई ड्यूटी नहीं, कोई कर्म नहीं, कहीं घड़ी के अनुसार भागना नहीं पड़ता। अगर आपकी कहीं ड्यूटी होती, किसी कार्यालय में, किसी मंत्रालय में ड्यूटी होती, तो क्या ये लीनियंसी चलती कि 11 बजे नहाऊंगा, 12 बजे नहाऊंगा, 10 बजे नहाऊंगा? क्या क्या रूटीन होता? 5 बजे उठो, सुबह उठो, दंत करो, मंजन करो, शौच करो, नहाओ, नहा करके अच्छे कपड़े पहनो, तैयार हो और बस पकड़ो या गाड़ी पकड़ो और कार्यालय पे जाओ। तो कर्म आपको काय के लिए मिला है? कर्म करने के लिए, करवाने के लिए, या तुमको इंसान बनाने के लिए? अगर तुमसे कर्म छीन लिया जाए तो तुम क्या बन जाओ? जानवर। तुम कभी नहीं नहा, कोई नहीं नहाएगा टाइम पर, कोई नहीं कपड़े धोएगा, हैं? आ, आ करके घूमता रहेगा और चाय पी ले यार, या और घूम ले यार, थोड़ा वो एपिसोड देख लूं यार। रेगुलरिटी, जीवन की रेगुलरिटी खत्म। तो इतने कर्मचारी, जो मैं समझता हूं कि राष्ट्र में कितने कर्मचारी होंगे, कई लाख होंगे या करोड़ के आसपास होंगे। ये करोड़ लोगों को अप टू डेट, अपडेटेड बनाने वाली शक्ति क्या है? कर्म, काम। ये तो हुए ये कर्मचारी। और जितने दुकानदार हैं, ये दुकानदार हैं कि दुकानदारों की दुकान क्या किसी की 12 बजे, किसी की 1 बजे, किसी की 2 बजे, किसी की ऐसी खुलती है क्या? नहीं, सबकी दुकानें 9 बजे 10 बजे खुलती हैं। तो जो 9 बजे 10 बजे आएगा दुकान पर, वो क्या कैसे आता है? वो घर से नहा धो करके, लक्ष्मी पूजन करके, और वो नौकर काम करने वाला सहायक भी अपने उस अनुसार ये करके रेडी होके आता है।
तो वो घर से तैयार होकर के नाश्ता लेकर के पैकिंग करके लाता है, वो लाता है पैकिंग करके, फिर वो खोलते हैं, फिर अगरबत्ती इत्यादि करके सुबह सुबह अगरबत्ती इत्यादि करके 9 बजे उनकी दुकान खुल जाती है और 9:30 बजे ऑफिस खुल जाते हैं। तो प्रातः काल से आपको कर्म का, इतना करोड़ लोग जो है देश के, करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग, कई 10 करोड़ लोग कर्म में रत हो जाते हैं दिन भर के लिए। दुकानदार दुकान में और वो नहा धोकर के मंडी वाला मंडी पे, और कर्मचारी कर्मचारी में कायम रत हुआ है कर्म में। ये कर्म आपको मिला, कर्म करने का प्लेटफॉर्म मिला, इसके लिए भगवान को धन्यवाद। क्योंकि ये कर्म भगवान भगवान को तो तुम क्या दोगे, महास्वार्थी हो महाचोर हो, परंतु ये कि कम से कम पहला लाभ ये देखो कि तुमको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तुम सुबह टाइम पे उठ पा रहे हो कि नहीं उठ पा रहे हो, तुम टाइम पे नहा धो रहे हो, तुम टाइम पे कपड़े वपड़े धोकर रेडी होके, और जब रेडी होने के चक्कर में तुम्हारा शरीर का वर्जिश और शरीर का सत्याज रहना, और शरीर का सत्याज रहना, जो आदमी ना टाइम पे नहीं नहाएगा उसका शरीर भी ऐसा ढीला ढाला हो जाएगा, उसकी रूटीन भी सब ढील ढाले, खाना पीना भी ढीला ढाला सब हो जाएगा, क्योंकि कोई रूटीन तो नहीं। पर कर्मचारी का मतलब हर चीज टाइम पे, 1 बजे लंच हो गया ले लंच कर ले, 10 बजे ये हो गया ऑफिस जाऊं, और तो नहाने टाइमली नहाने धोने से, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आपको सुबह नहाना है क्योंकि आप कर्मचारी हो, कर्मचारी, कर्म मिला है आपको, तो कर्म आपको मतलब सुशरीर और सुस्वास्थ्य, क्योंकि आप जब प्रातः काल नहाओगे धोगे रेडीमेड होकर के जाओगे तो आपका शरीर भी ज्यादा स्वस्थ रहेगा ज्यादा। ये जीवन आपको 40 साल 30 साल 35 साल 50 साल ऐसा भगवान प्रकृति ये सौभाग्य देता है और आप वो जीवन जीते हैं। वो जीवन जीने के बाद में जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं या छुट्टी उससे फ्री हो जाते हैं ना, तब आप क्या करते हैं, लीनियंसी आपके अंदर में जीवन में आ जाती, चल 9 बजे नहाऊंगा, चल 10 बजे नहाऊंगा, ऐसा ऐसा करने लग जाते हो, चल यार 11 बजे भोजन करना था 1 बजे करेंगे, वो दो साल इस तरह से लीनियंसी आ जाती है और आपका जीवन पूरा बिगड़ जाता है। तो आपको इंसान बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, कर्म। तो बोलो कर्म भगवान की जय। अब भैया कर्म जब आपको इंसान बनाने में इतना हेल्प कर रहा है और कर्मचारियों को, ब्रह्मचारियों को, बुद्धिजीवियों को, सबको जो है कर्म मनुष्य बना रहा है, तो अब इस पर ऐसा कर्म जिनको मिला है और उसके उपरांत भी जो कर्मचारी इसमें रिश्वतबाजी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, आपसे पैसा मांग रहे हैं, हाँ, वो इतने लाभ भगवान ने दिया, इस इन सारे लाभों को भूल करके टाइम बेटाइम कर रहे हैं, उनको 40,000-50,000 रुपया वेतन दिया जा रहा है इस उनके लाभ के लिए, उसके बावजूद आपसे मक्कारी कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, फाइल छुपा रहे हैं, काला परसों का इतने रुपए दे उतने रुपए दे, तो क्या इनको भगवान देख नहीं रहा, इनको कर्म देख नहीं रहा? तो इसलिए कहा गया है कि कर्म जो है, कर्म को बिल्कुल सैल्यूट करो, और कर्म विषय पे और कुछ कुछ बोलना था, और तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि भैया हम आज नहीं तो कल परसों उन लोगों की बात करेंगे जो जिनको सैल्यूट हमें करना चाहिए, और वो हैं वो बॉर्डर वाले आर्मी वाले लोग, फोर्स वाले लोग, जो बेचारे मतलब जिनके यहाँ कोई अन्य कर्मचारी नहीं हुआ करता, ये चीज मैंने देखा उनके यहाँ टॉयलेट साफ से लेकर के बर्तन धोने धो भी नहीं, टॉयलेट साफ करने वाला स्वीपर नहीं, और कुक भी उन लोगों में ही है, और पढ़ाई और संगीत वाला कीर्तन वाले सब पंडित सब उन लोगों में ही है, वो कर्म हर प्रकार का कर्म करने में वो बिल्कुल कतराते नहीं, कर्म करते हैं। तो यही परिणाम है कि उनको ईश्वर जो है उनको, तो हम लोगों को भी नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता में कहा गया है, वो अगले प्रवचन में मैं वो श्लोक कोट करके दूंगा कि हे अर्जुन तू युद्ध करता हुआ या तो तू भूमि को धन भूमि को प्राप्त करेगा,
या तो राजसुख को प्राप्त करेगा, अगर और अगर नहीं कर पाया मारा गया तो क्या प्राप्त करेगा, तो तू मोक्ष प्राप्त करेगा, मोक्ष। तो हम लोग जो घर संन्यास इत्यादि त्याग कर त्याग के बैठे हैं काय के लिए, मोक्ष पाने के लिए, राम राम कर रहे हैं हम काय के लिए, मोक्ष के लिए। और वो बेचारे बॉर्डर पर 40 डिग्री में -40 डिग्री में खड़े हैं और खाली आपकी मतलब भारत माता और राष्ट्रभूमि की रक्षा करने के लिए जीवन के प्राण न्यौछार और कर देंगे, और वो भी मोक्ष के भागी होते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होगा जो आपके एक जीवन का प्राणायाम और मंत्र और योग का इत्यादि का जो फल आपको मिलेगा। तो मोक्ष के भागी वो भी होंगे, पता है क्यों? क्योंकि उनका जीवन कर्म अनुशासन त्याग और इस पर सच्चाई पर निर्भर है। उनका जीवन सच्चाई त्याग और परिश्रम समर्पण पर निर्भर है, और इन कर्मचारियों का जीवन मक्कारी हरामखोरी चोरी पाखंड लीनियंसी धोखाबाजी छल हरे 420 से भरा हुआ है। कर्म वो भी कर रहे हैं, कर्म ये भी कर रहे हैं, कर्म आप हम लोग सब भी कर रहे हैं, कर्म ये दुकानदार लोग भी कर रहे हैं। तो परंतु एक कर्म हमारे लिए नरकगामी हो जाएगा, एक कर्म हमारे लिए नरक ले जाने वाला हो जाएगा, एक कर्म हमारे लिए मोक्ष देने वाला हो जाएगा। और सच्चाई तो ये है कि हमें कर्म नेकी कर दरिया में डाल वाली बात है, कर्म को ऐसे करना पड़ेगा कि मैंने जो कर दिया कर दिया, अब इस कर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये मेरा कर्म है, मिश्रा जी के काम आएगा, ये आपके काम आएगा। ये मीठे मीठे फल आम के खा रहे हो ना, आम कैसा लग रहा है, बढ़िया है, किसने लगाया था, लगाया था तूने ये आम का फल है, ये मीठे मीठे फल जो मिल रहे हैं तुम लोग को, तो ये फल आप लोगों ने लगाया था, कोई लगा के गया, उसका आनंद अपन लोग सब उठा रहे हैं। तो किसी का किया हुआ कर्म अपन लोग लाभ ले रहे हैं, उस व्यक्ति को